क्या आपको लगता है कि आप जो भी कार्य करते हैं उसमें अनावश्यक बाधाएं आती हैं? क्या आप उन बाधाओं से परेशान हैं और उनसे मुक्ति पाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो ये छोटा सा वीडियो आपकी बड़ी मदद कर सकता है। प्रसन्न महादेव। हर हर महादेव। किसी भी पृथ्वीवासी के लिए ये शब्द नए नहीं, हमने भी जब से होश संभाला है सुनते ही आ रहे हैं हर हर महादेव। और इसका अर्थ भी कठिन नहीं, हर हर महादेव यानी हम सब शिव हैं, मैं आप हम सब। दरअसल ये पूरा ब्रह्मांड शिव से भरा हुआ है, निर्गुण निराकार शिव से, जिस प्रकार समुद्र पानी से भरा होता है। और जिसे हम शिव कहते हैं उसे ही वैज्ञानिक हिग्स फील्ड कहते हैं। कभी कभी शिव रूपी इस ब्रह्मांड में गुण आ जाते हैं, मानो जैसे समुद्र में गंदगी। वैज्ञानिक इन गुणों को डार्क मैटर कहते हैं। ये गुण कहां से आते हैं ये तो कोई नहीं जानता, मगर खत्म कर्म से होते हैं और इसीलिए निराकार शिव आकार लेता है, हमारा आकार लेता है। अर्थात हम और कुछ नहीं बल्कि गुणयुक्त शिव हैं और कर्म करके निर्गुण होने के लिए ही इस संसार में आए हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते जाते हैं हम निर्गुण होते चले जाते हैं, और जब हम पूरी तरह से गुण शून्य हो जाते हैं हम पुनः परमानंदमय शिव हो जाते हैं, फिर हमारा अवतरण नहीं होता, इसे ही मुक्ति कहा जाता है। सामान्यतः एक आत्मा को मुक्त होने में कई जन्म लग जाते हैं, परंतु सभी के जीवन में एक ऐसा कर्म जरूर होता है जो हमें एक ही जन्म में मुक्त कर सके। जब हम उस कर्म की ओर बढ़ते हैं तब अपने आप ही शिव रूपी ये चिन्मय ब्रह्मांड हमें आगे बढ़ने में सहयोग करता है, क्योंकि वो हमसे यही चाहता है। हमें मुक्ति की ओर बढ़ता देख वो प्रसन्न होता है, हम उसकी इच्छा अनुसार चल रहे हैं ये देख वो हमारे रास्ते की सारी कठिनाइयों को हटाता जाता है। परिणाम स्वरूप हमें कार्य में सफलता मिलने लगती है। सांसारिक दृष्टि से ऐसे लोगों को किस्मत वाला कहा जाता है। इसी के विपरीत यदि हम सांसारिक मोह माया में फंसकर मुक्ति मार्ग से दूर होने लगते हैं तो ये ब्रह्मांड हमें रोकता है, क्योंकि वो हमसे कुछ और ही चाहता है, वो हमारे कार्य में बाधा डालता है। परिणाम स्वरूप हम नहीं सफल हो पाते, असफलता से हमारा आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगता है, हम कर्म करना ही कम कर देते हैं, यहीं से पतन प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे हम दुख दारिद्र के भंवर में फंसने लगते हैं, और ये सब होता है हमारे शिव होने के बावजूद। इसीलिए आगे बढ़ने से पहले ये जानते हैं कि आखिर शिव होने के बावजूद हम सांसारिक मोह माया में फंस कैसे जाते हैं। गुण हम सभी के अंदर होते हैं। ये गुण तीन प्रकार के होते हैं, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। ये तीन गुण तीन इच्छाओं को जन्म देते हैं। लोकेशना यानी नाम कमाने की इच्छा, पुत्रेशना यानी पुत्र प्राप्ति की इच्छा, और विद्येषणा यानी पैसे कमाने की इच्छा। इस ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं उनमें यही तीन इच्छाएं होती हैं, बस किसी में कोई कम तो कोई ज्यादा होती है। यही इच्छाएं हमें गलत दिशा में भी ले जाती है। ये हमें मुक्ति के बजाय उस कर्म की ओर मोड़ती है
जो इन इच्छाओं की त्वरित पूर्ति करता हो। लालच में हम गलत दिशा में चल पड़ते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये ब्रह्मांड हमारी राह में बाधाएं डाल हमें रोकता है। इसलिए यदि हम हमारे जीवन में सफल होना चाहते हैं तो हमें कर्म तो करना ही होगा, साथ ही ये कर्म सही दिशा में हो इसका ध्यान भी रखना होगा, और ये बहुत कठिन भी नहीं। आइए देखते हैं कैसे। सनातन धर्म। सनातन धर्म की एक विशेषता है, इसमें मानव जाति की हर समस्या का समाधान है, और हमारी इस समस्या का समाधान है प्रतिदिन कम से कम 108 बार महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबकम यजामहे, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वावरुकमिव बंधनात्, मृत्योर मोक्षी यमामृतात्। जब हम प्रतिदिन 108 बार इस महामंत्र का जाप करते हैं, तब हमारे शरीर से ऐसी तरंगे बाहर निकलती है जिनकी रिक्तता की पूर्ति के लिए हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है। ये प्रक्रिया ऊर्जा संरक्षण के नियम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के साथ साथ ध्वनि विज्ञान पर आधारित है, जिसकी जानकारी पृथ्वी पर अभी कम ही लोगों को है। दरअसल ब्रह्मांड अनंत है और इसमें अरबों ग्रह हैं। उन अरबों ग्रह में जीवन सिर्फ एक पृथ्वी पर ही है ऐसा नहीं है। सच तो यह है कि कई ग्रहों पे जीवन है, कई सारी सभ्यताएं हैं। जब हम गहराई से अपने ग्रंथों को पढ़ेंगे तो इसके प्रमाण भी पाएंगे। कई सभ्यताएं तो हमसे बहुत अधिक विकसित है, उन्हीं में से किसी ने आकर हमें वेद आदि ग्रंथों के माध्यम से जीवन जीना सिखाया है। हमारे ऋषि मुनि उनसे संपर्क करते थे और वे आते थे, हमें ब्रह्मांड के रहस्य बताते थे, तभी तो हम वेद आदि ग्रंथों को ऊपर से आया हुआ बताते हैं, श्रुति और स्मृति पे आधारित कहते हैं। वो आकर बताते थे और हमारे ऋषि मुनि उनकी बातें सुनकर उन्हें याद रखते और फिर लिखकर हम तक पहुंचाते। उन्हीं में से किसी ने मंत्र भी दिए हैं। हमें ये बात इसलिए भी मानना होगी क्योंकि हमारे ग्रह पर ध्वनि विज्ञान पे अभी इतना शोध हुआ ही नहीं है कि हम अपनी आवश्यकता अनुसार मंत्र बना सके। महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम त्रयंबकम यजामहे, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वावरुकमिव बंधनात्, मृत्योर मोक्षीय मामृतात् को भी हमें ऐसे ही किसी शैव द्वारा दिया आशीर्वाद मानना चाहिए। महामंत्र के जाप से प्राप्त शक्ति हमारी आत्मा की होती है और ये शक्ति इच्छाओं की शक्ति से ज्यादा बलशाली होती है। हमें तो बस महामंत्र का जाप कर इस शक्ति को अपने साथ रखना होता है, बाकी सब तो ये शक्ति स्वयं करती है। गलत समय, गलत जगह पर गलत लोगों के साथ अपने आप हमें बुरा लगने लगता है, हम अपने आप उन्हें छोड़ने लगते हैं, अपने आप सही को पकड़ने लगते हैं।
सद्मार्ग पर चलने लगते हैं, इससे महादेव रूपी ये ब्रह्मांड प्रसन्न होता है और हमारे रास्ते की सारी कठिनाइयों को हटाता चला जाता है। फिर तो यात्रा सुगम होती चली जाती है, सफलता कदम चूमने लगती है, आनंद ही आनंद होने लगता है। और ये सब होता है अपने कर्म के साथ साथ महामंत्र ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम् यजामहे, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, उर्वावरूकमिव बंधनात्, मृत्योर्मोक्षीयमामृतात् के नियमित जाप से। इसीलिए आज से ही प्रारंभ करें। शुभकामनाएं।